हेलो अभिवान कैसे हो सब लोग हाँ जी दोस्तों स्वागत है आज की क्लास में आज हम लोग लेक्चर नंबर फाइव कर रहे हैं है ना सो so, पिछली क्लास के अंदर बच्चों मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था यस और नो ये पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था और आज इस होमवर्क को पहले तो डिस्कस करते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये होमवर्क किया होगा क्योंकि होमवर्क किया होगा तो ही फ़ायदा है है ना दोस्तों तो होमवर्क किया होगा मैं वही होमवर्क से स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर वन Mr. X, age 78 years, resident. Total income 30 याद है है मैंने में में आपको old regime और और का difference बताया था, है ना? So old regime और new regime में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया कि ओल्ड रजीम में आपको हर तरह की एग्जेपन डिडक्शन मिल जाती है न्यू रिजीम में आपको कोई एग्जेपन रिडक्शन नहीं मिल, बहुत सारी एग्जेम्शन रिडक्शन नहीं मिलती और गवर्नमेंट ने रिसेंटली बजट दो में इसको न्यू रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम रख दिया है ये भी मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो डिफॉल्ट का मतलब है बच्चों की आई जब आप फाइल करोगे तो आपको सबसे पहले जो रिजीम दिखेगी मतलब टैक्स कैलकुलेशन होगी वो इसी हिसाब से होगी हाँ आप चाहो तो आप उसको ओल्ड रिजीम में कन्वर्ट करा सकते हो ठीक है तो हम लोग न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम दोनों के लिए कर रहे हैं क्योंकि मिस्टर एक्स को हमसे एडवाइस चाहिए मिस्टर एक्स हमसे एडवाइस मांग रहे हैं विच ऑप्शन इज बेटर तो आओ सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप लोग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फिर निकालेंगे एज पर ओल्ड रजीम जो पुरानी रिजीम चल रही थी पुरानी रिजीम के हिसाब से थर्टी लाख की इनकम है मेरी टोटल इनकम मेरी कितनी है थर्टी लाख मैंने आपको बताया था एज मैटर नहीं करती है ओल्ड रिजीम के, के तो हिसाब तो से आपकी इनकम है आपकी एज सेवेंटी एट रेजिडेंट हो तो आप सीनियर सिटीजन हो बोलो सीनियर सिटीजन हो तो सीनियर सिटीजन वाला स्लैब लगाएं क्या बोलेंगे पहले तीन लाख रुपए तक आपका कोई टैक्स नहीं है फिर तीन लाख से लेकर पांच लाख यानी अगले दो लाख रुपए तक आपका टैक्स है पांच परसेंट कितना हुआ दस हजार फिर इसके बाद पांच लाख से लेकर दस लाख यानी अगले पांच लाख रुपए पर आपका टैक्स कितना बनता है बीस परसेंट यानी एक लाख दस लाख से ऊपर बैलेंस जितना भी बच गया कितना बच गया बैलेंस बच गया बीस लाख रुपए उस पर लगेगा थर्टी परसेंट यानी 6 लाख कुल मिला के हो गया सात लाख दस हजार रुपए यह आपका टैक्स बन गया जिसके अंदर हम लोग सेस ऐड कर देंगे बेटे चार परसेंट का सेस ऐड कर देंगे कितना बनेगा सात दस चार परसेंट अट्ठाईस चार सौ टोटल टैक्स लाइबिलिटी हो गई सेवन थ्री एट फोर हंड्रेड और यही मैं एक बार एज पर न्यू रिजीम भी अब कैलकुलेट करके देख लेता हूं एज पर न्यू रिजीम ऑब्वियसली एज पर न्यू रिजीम में आपको कोई एग्जेस डिडक्शन बहुत सारी नहीं मिलती जिसकी वजह से आपका टोटल इनकम मैंने ऊपर बढ़ा के लिखा है ठीक है मैं ये मान के चल रहा हूं डिडक्शन नहीं मिली है और थर्टी फाइव लाख रुपीज आपकी इनकम आ रही है तो अगर मैं ये वाला स्कीम लेकर चलता हूं न्यू रिजीम जो कि बाय डिफॉल्ट रिजीम है तो मेरे को क्या टैक्स कितना देना पड़ेगा सो पहले तीन लाख रुपए पर टैक्स जीरो अगले तीन लाख रुपए पर टैक्स कितना होगा पांच परसेंट कितना हो गया पंद्रह हजार है ना फिर अगले तीन लाख रुपए पर टैक्स हो गया दस परसेंट थर्टी थाउजेंड फिर फिर अगले तीन लाख रुपए पर पंद्रह परसेंट टैक्स कितना हो गया फोर्टी फाइव थाउजेंड एक और तीन लाख रुपए ट्वेंटी परसेंट कितना हो गया सिक्सटी थाउजेंड तो भाई ये पंद्रह लाख रुपए की इनकम हो गई पंद्रह लाख रुपए पर आपका इतना टैक्स बन गया बोलो अब इसके बाद बैलेंस जो बच गया कितना बच गया ट्वेंटी लैक्स उसके ऊपर टैक्स का रेट कितना लगेगा सीधा थर्टी परसेंट ट्वेंटी लाख पर थर्टी परसेंट छ लाख रुपए बनता है अब इसको कर देते हैं टोटल तो पंद्रह हजार तीस हजार प्लस पैंतालीस हजार प्लस साठ हजार साढ़े सात लाख रुपए का टैक्स बन गया भाई न्यू रिजीम फायदेमंद होने के बावजूद मेरे को एग्जेपन डिडक्शन क्योंकि नहीं मिली जिसकी वजह से मेरी इनकम ज्यादा आ रहा है और मेरा टैक्स अभी भी ज्यादा आ रहा है साढ़े सात लाख प्लस से चार परसेंट तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको हमेशा फायदा होगा न्यू रिजीम में नहीं एक्जेंशन डिडक्शन अगर आपकी कुछ ज्यादा बनती हैं तो आपको नुकसान हो सकता है इसीलिए ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम में से चेक करना बहुत जरूरी है कि आपको कितना इसमें आपको फायदा होगा तो ऑब्वियस है मिस्टर एक्स को ओल्ड रिजीम इज बेटर So it is advisable to Mr X that he should opt out from default regime. बच्चों default regime से उसको क्या कर लेना चाहिए? Opt out कर लेना चाहिए। To everyone? Default regime से आउट करने का मतलब है old regime में जाना क्या मेरी बात समझ में आती है तो इसलिए 738, 400 उसका बनेगा। तो ये तो ये हो गया मेरा पहले question का answer। फिर इसके बाद Mrs. Y, age 86 years, है इनकम पच्चीस लाख है कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी चलो ये भी कर लेते हैं अब मुझे एक बात बताओ आपने इसमें जरूर कोई गलती करी होगी ये नॉन रेजिडेंट है एज एटी सिक्स है सुपर सीनियर जरूर है बट नॉन रेजिडेंट है क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है इसलिए इसके ऊपर जो स्लैब रेट लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा बताओ जनरल वाला स्लैब लगेगा जी हां ओल्ड रिजीन के हिसाब से टैक्स निकालना है इसमें तो इसकी टोटल इनकम है टोटल इनकम है ट्वेंटी फाइव लाख रुपीस टोटल इनकम है ट्वेंटी फाइव लाख रुपीस अब इसके अंदर आपको इनका टैक्स निकालना है बट कौन से वाले स्लैब से निकालोगे बेसिक वाले स्लैब से इसका रीजन क्या है इसका रीजन ये है कि ये एक नॉन रेजिडेंट है अगर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन होती सुपर सीनियर तो इसके ऊपर थर्ड वाला स्लैब लगता अभी ये लगेगा और फर्स्ट स्लैब क्या कहता है पहले ढाई लाख रुपए पर टैक्स नेक्स्ट ढाई लाख रुपए पर टैक्स रहेगा पांच परसेंट विच इज इक्वल टू बारह हजार पांच सौ नेक्स्ट फाइव लाख रुपीज पर टैक्स रहेगा ट्वेंटी परसेंट यह हो गया एक लाख रुपए बैलेंस पंद्रह लाख रुपए पर थर्टी परसेंट इज इक्वल टू फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड तो टोटल टैक्स कितना आ गया बच्चों फोर फिफ्टी प्लस वन लाख प्लस बारह पांच सौ यानी फाइव लाख 62,500 प्लस सेस भी तो करना है 4% परसेंट का सेस लगा देंगे तो विच इज 22,500 और मेरा टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी फाइव लैख एटी फाइव थाउजेंड यह आ गई मेरी टैक्स लाइबिलिटी इज दैट क्लियर टू एवरी वन तो इस तरीके से मैंने इनकम पे टैक्स निकाला आई होप मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सही कर लिया हो बट अगर नहीं हुआ तो प्लीज करेक्ट कर लेना ठीक है फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आसान था वो तो आपने सह, शायद सही किया होगा बट सेकंड क्वेश्चन में मे भी आपसे कुछ मिस्टेक हो गई हो और अगर नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है शानदार हो आप येस और नो चलो आगे बढ़े आज की क्लास स्टार्ट करते हैं होमवर्क के डिस्कशन के बाद इसमें मैं लिख देता हूं आज की जो क्लास का टाइटल है वो है क्लास नंबर बच्चों आज की क्लास के अंदर मैं पहले तो आपको जो ओल्ड रिजीम करवा रहा था मेरे को यह बताना बहुत जरूरी है कि ओल्ड रिजीम के अंदर रिबेट क्या है और ओल्ड रिजीम के अंदर सरचार्ज क्या है सरचार्ज तो मैंने किसी के भी नहीं बताया ना ही न्यू रिजीम का बताया ना ओल्ड रिजीम का बताया सरचार्ज क्या चीज है उसके बारे में बात करेंगे एक बात समझना दोस्तों पुरानी स्कीम के अंदर रिबेट गवर्नमेंट ने पांच लाख रुपए तक की दे दी थी न्यू के अंदर गवर्नमेंट ने रिबेट सात लाख रुपए तक दे दी यह अच्छी बात है तो जिस जिस इंसान की इनकम है ही सात लाख रुपए उसको न्यू रिजीम ही दिखाना चाहिए क्योंकि उसको टैक्स जो होगा उसका जीरो बन जाएगा अगर उस बंदे की इनकम ओल्ड रिजीम उसका इनकम सात लाख से ज्यादा बनती है है ना तो ऐसे केस में न्यू रिजीम Old regime compare करना पड़ेगा कहां पे उसको फायदा होगा करनी होंगी, कितनी उसको मिली आओ दोस्तों चेक करते हैं इस old regime का जो हम लोग आगे continue कर रहे हैं अभी old regime ही चल रहा है हम लोग पहली वाली क्लास के अंदर भी old regime स्टार्ट कर चुके थे तो ओल्ड जीम ही चल रहा है और old regime के बारे में लिख रहे हैं रिबेट के अंदर राइट डाउन रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन ओल्ड जीम में रिबेट क्या था बच्चों राइट डाउन Every resident individual, every resident individual whose total income does not exceed Rupees five lakh. मा ही इज एलिजिबल टू अवेल टैक्स रिबेट ऑफ अप टू रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड अगर आपकी इनकम पांच लाख रुपए तक की होती है तो आपको रिबेट मिलेगा बारह हजार पांच सौ तक का और इस हिसाब से देखा जाए तो टैक्स आपका जीरो ही बनेगा आओ करके दिखाता हूं मैं आपको एक क्वेश्चन ये सो फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ऑप्टेड फॉर ओल्ड रिजीम इनकी टोटल इनकम लाख अस्सी हजार रुपए है दोस्तों कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी तो जैसे न्यू रिजीम में हम ने पढ़ा था सात लाख रुपए तक टैक्स की रिबेट मिल जाती है यहां पर कितनी मिलेगी चार लाख पांच लाख रुपए तक मिलेगी चार अस्सी है तो ऑब्वियसली इसका टैक्स जीरो होना चाहिए मैं करके दिखा रहा हूं कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी अब इनकी एज मैंने नहीं लिखी मैं एज भी लिख देता हूं यहां पर फोर्टी फाइव ऐसे केस में क्या करना है वही पहले ढाई लाख रुपए, पहले ढाई लाख रुपए तक टैक्स क्या हो गया जीरो ठीक है फिर इसके बाद डिफरेंस नेक्स्ट टू लैख थर्टी थाउजेंड थाउजेंड, इस पर फाइव परसेंट का टैक्स ग्यारह हजार पांच सौ अब मैंने आपको बताया था रिबेट मिलेगा बारह हजार पांच सौ का 12,500 तक का रिबेट है 12,500 मतलब ये नहीं है कि 11,500 में से 12,500 माइनस कर दो तो हजार रुपए गवर्नमेंट देगी हमें <laughs> मतलब नहीं है हजार रुपए गवर्नमेंट क्यों देगी हमें हमें रिबेट मिल जाएगी अप टू ना अपने तो ग्यारह पांच सौ तक मिल जाएगी तो मेरा टैक्स हो गया बच्चों ऑब्वियसली मेरा टैक्स अगर निल हो गया तो सेस भी जो होगा वो भी जीरो ही आएगा तो इसलिए मेरे टैक्स लाइबिलिटी क्या आएगी जीरो एनी डाउट तो बच्चों ओल्ड रिजीम के अंदर रिबेट हो गया आपके सामने तो ऐसे ही मैं आपको ये कहना चाहता था कि अगर पांच लाख रुपए की मेरी इनकम होती अगर मेरी इनकम पांच लाख रुपए होती ये देखो, एक और एग्जाम्पल अगर मेरी टोटल इनकम पांच लाख रुपए होती तो मेरा टैक्स कितना बनता सो so, तो फर्स्ट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तक मेरा टैक्स अगेन नील बनता अगले ढाई लाख रुपए तक मेरी टैक्स लाइबिलिटी पांच परसेंट के हिसाब से बारह हजार पांच सौ बनती और मुझे सारा का सारा क्या मिल जाता रिबेट मिल जाता अंडर सेक्शन एटी सेवन ए कितने का पूरे बारह हजार पांच सौ का तो मेरा यहां पे टैक्स क्या बन जाता बच्चों जीरो क्या मेरी बात समझ में आई बारह हजार पांच सौ इज मैक्सिम रिबेट जो गवर्नमेंट आपको आ रही है सात लाख रुपए आ रही है वो लेगा ही वो लेगा। हाँ, अगर लेने पर उसकी कुछ एग्जेम्पन डिडक्शन की वजह से उसकी इनकम और ज्यादा बढ़ रही है तो वो कंपेयर जरूर करेगा कि उसको किस चीज में फायदा हो रहा है वो सब चीजें देखनी होंगी मेरी बात समझ में आ रही है शायद सबको अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं रिबेट के बाद एवन ए के रिबेट के बाद मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं रिलेटेड टू ओल्ड के अंदर सरचार्ज के बारे में ओल्ड और न्यू दोनों सरचार्ज के बारे में बताऊंगा दोनों में सरचार्ज है ना वट इज सरचार्ज पहले तो समझते हैं सरचार्ज है क्या चीज तो बच्चों सरचार्ज गवर्नमेंट ने सोचा यार बहुत सोचा कि हम लोग तो रिबेट बांटे जा रहे हैं हमें टैक्स आएगा कैसे यार ज्यादा अगर लोग किस कैटेगरी के होंगे हमारे देश के अंदर पांच लाख वाले बहुत सारे लोग हैं लाख वाले अब अगर ऐसे लोग पांच लाख रुपए तक इनकम शो करके टैक्स जीरो कर देंगे तो भैया हमें रेवेन्यू मिलेगा कैसे तो गवर्नमेंट ने सोचा देखो अमीर जो होता है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़ा सा और टैक्स बढ़ा देते हैं जो मिडिल क्लास जो पुअर फैमिली है या मिडिल क्लास फैमिली है उनको बहुत फर्क पड़ता है टैक्स से तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट दे देते तो रिबेट बेसिकली मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए दिया गया था और रिच क्लास फैमिलीज के लिए क्या बना दिया गया सरचार्ज कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर मान लो आप एक समुंदर देखा समुंदर समुंदर कितना बड़ा होता है बहुत बड़ा होता है समुंदर है ना उसमें से पानी का डब्बा निकालो बाहर फेंको फिर निकालो फिर बाहर फेंको एक बार, एक बार फिर निकाल लो फिर बाहर फेंको क्या समुंदर को कोई फर्क पड़ेगा चेक करना समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा हा या ना समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों क्योंकि वो समुंदर है आ, रिच पर्सन बिल्कुल ऐसा ही है रिच पर्सन से थोड़ा सा और टैक्स ले लोगे ना इससे लोग फर्क नहीं पड़ेगा बट जो पुअर या मिडिल क्लास फैमिलीज हैं मतलब मैं कहना चाहता हूं अगर मैं वहां पे समुंदर की बात कर रहा था एक डब्बा हो अगर आप पानी का डब्बा पानी के डब्बे में से जरा सा भी पानी नीचे निकला तो क्या फर्क नहीं दिखेगा दोस्तों जी हाँ फर्क दिखेगा तो अल्टीमेटली फर्क तब आता है रिबेट देखो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने कहा अगर पानी का डब्बा मतलब जिनकी इनकम पांच लाख रुपए तक की है न्यू रिजीम में सात लाख रुपए तक की है गवर्नमेंट कहता है उनको रिबेट दे दो और जिनकी इनकम पचास लाख से ज्यादा है उनके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया एक्स्ट्रा टैक्स जिसका नाम दे दिया सरचार्ज तो सरचार्ज इज नथिंग बट टैक्स ऑन टैक्स और ये बच्चों तब लगता है जब इनकम एक लेवल से ज्यादा होती फॉर एग्जाम्पल सरचार्ज किस पे लगता है इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी इंडिविजुअल एवरी इंडिविजुअल का मतलब हो गया रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट एज सिक्सटी हो 50 हो 80 हो कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिविजुअल एच ओ एफ ए पी और एजेपी ज एप्लीकेबल ऑन एवरी इंडिविजुअल एच यू एफ एपीबी एजेपी इफ टोटल इनकम एक्सीड रुपीज फिफ्टी लाख अगर बच्चों टोटल इनकम पचास लाख से ज्यादा होता है तो सरचार्ज लगेगा दस परसेंट अगर टोटल इनकम एक करोड़ क्रॉस कर जाए तो सरचार्ज लगेगा पंद्रह परसेंट अगर आपकी टोटल इनकम दो करोड़ क्रॉस कर जाए तो गवर्नमेंट ने सरचार्ज लगाया ट्वेंटी फाइव परसेंट तो सरचार्ज चार्ज पचास लाख से ज्यादा है तो टोटल इनकम पे तो सरचार्ज है दस परसेंट एक करोड़ से ज्यादा है तो गवर्नमेंट कहता है एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे पंद्रह अगर आपकी इनकम दो करोड़ से ज्यादा है तो पच्चीस गवर्नमेंट से बर्दाश्त नहीं होता गवर्नमेंट कहता है अगर आपकी इनकम पांच करोड़ से ज्यादा है

न्यू इज अ डिफॉल्ट रिजिम डिफॉल्ट रिजिम मतलब आई टी आर फाइल करते वक्त टैक्स की कैलकुलेशन न्यू रिजीम के हिसाब से ही होगी ओल्ड रिजीम आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट कर कर दोगे जब तो आप ओल्ड रजीम में ट्रांसफर हो जाओगे ये ये आप ITR के वक्त स्टेप ले सकते हो सो गवर्नमेंट ने सरचार्ज निकाला था ओल्ड में ये। बहुत जबरदस्त सरचार्ज है इनकम पचास लाख से ज्यादा तो दस परसेंट एक करोड़ से ज्यादा तो पंद्रह दो करोड़ से ज्यादा तो ट्वेंटी फाइव और पांच करोड़ से ज्यादा तो थर्टी सेवन परसेंट इतना ज्यादा सरचार्ज गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ले रही थी अब इस सरचार्ज में इतना ज्यादा जो सरचार्ज गवर्नमेंट लेती है इसमें ऐसा क्या गवर्नमेंट ने कहा आओ जरा कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे इस पर टैक्स निकलेगा कैसे कैलकुलेशन होगी आओ जरा देखते हैं मिस्टर जतिन एज अच्छा रिबेट में भी एज मैटर नहीं करती है रिबेट में भी एज अगर सिक्सटी प्लस होती है ना तो तीन लाख रुपए तक टैक्स जीरो तीन से लेकर पांच लाख पर दो लाख पे पांच परसेंट दस हजार रुपए बनता दस हजार रुपए का सारा रिबेट मिल जाता क्योंकि साढ़े बारह हजार रुपए तक दो रिबेट देती है क्या मेरी बात समझे ना तो एज वहां पर मैटर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाँ को रिबेट मिलती ही नहीं वहां पर रिबेट जब मैंने आपको पढ़ाया था ना तो ओल्ड जिम के अंदर जो रिबेट इसमें एट्टी प्लस वाले को रिबेट मिलेगी नहीं बताओ क्यों क्योंकि पांच लाख रुपए तक टैक्स जीरो है जब टैक्स ही जीरो है तो टैक्स में ही तो रिबेट मिलना है ना हाँ या ना तो एट्टी प्लस वाले को रिबेट मिलेगा ही नहीं आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टर जतिन एज फिफ्टी फाइव ठीक है रेजिडेंट इसकी टोटल इनकम मान के चलते हैं सेवेंटी लाख है, 70 ,00 ,00 ,00 है। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी तो सत्तर लाख रुपए की इनकम है टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है बताओ कैसे निकालें? सबसे पहले स्लैब लगाएंगे पहले ढाई लाख रुपए टैक्स क्या रहेगा जीरो फिर अगले ढाई लाख रुपए टैक्स क्या रहेगा पांच परसेंट कितना हो गया बारह हजार पांच सौ फिर अगले पांच लाख रुपए टैक्स क्या रहेगा बीस परसेंट कितना हो गया एक लाख और बैलेंस जो बच गया कितना बच गया बच्चों दस लाख से ऊपर सिक्सटी लाख उसके ऊपर लग गया थर्टी परसेंट यानी 18 लाख कुल मिला के नाइनटीन लाख ट्वेल्व थाउजेंड का टैक्स आ गया और इसके ऊपर लग गया सरचार्ज क्या लग गया सरचार्ज क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा है ना तो सरचार्ज लग जाएगा बच्चों सरचार्ज कितना लगेगा 10 परसेंट तो 10 परसेंट लगाऊंगा मैं नाइनटीन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड देखो मैंने पहले ऊपर लिखा सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स इसका मतलब क्या है टैक्स के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है तो 1912500 पर 10% जब निकालेंगे तो क्या आएगा 191250 यस yes और नो no. सो so 1912500 पर 191250 ऐड कर दो तो ये आ गया मेरा 21 लाख 3000 750 ये मेरा आ गया टैक्स जिसके ऊपर अब मैं निकालूंगा सेस सेस कितना लगेगा चार परसेंट और ये भी टैक्स ऑन टैक्स ही होता है आपको तो पता ही है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ना अब ये जो ट्वेंटी ट्वेंटी वन लाख थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी पे लगेगा फोर परसेंट एटी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी तो मेरा टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गया बच्चों ट्वेंटी वन लाख एट्टी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ये मेरी आ गई टैक्स लाइबिलिटी टू एवरी वन ये आ गई मेरी टैक्स लाइबिलिटी ट्वेंटी हंड्रेड इस तरीके से सरचार्ज निकाला जाता है बच्चों अब मैं आपको दिखाता हूं एक बार सरचार्ज अगर मेरी इनकम कुछ और होती तो सरचार्ज क्या आता मैं वो बोला भी एक बार तरीका करके दिखा देता हूं मान लो मिसिज गौरी एज चलो 62 ले लेते हैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया टोटल इनकम इज इक्वल टू रुपीस थ्री करोड़ बच्चों इनकी इनकम तीन करोड़ रुपए है टोटल कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी आपको इनकी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी होगी इज दैट क्लियर तो बताओ कैसे निकालेंगे 62 टू इयर्स रेजिडेंट है पहले सीनियर सिटीजन हो गई तो पहले तीन लाख रुपए तक टैक्स क्या हो गया बच्चों जीरो अगले दो लाख रुपए पर टैक्स कितना लग जाएगा पांच परसेंट कितना हो गया दस हजार रुपए। अगले पांच लाख रुपए पर बीस परसेंट टैक्स कितना हो गया एक लाख दस लाख रुपए हो गए बैलेंस कितना बच गया दो करोड़ नब्बे लाख उस पर थर्टी परसेंट का टैक्स ये हो गया एटी सेवन लाख, टोटल हो गया एटी एट लैख टेन थाउजेंड जिसके ऊपर हम लगाएंगे अब सरचार्ज अब सरचार्ज के लिए आपको चेक करना पड़ेगा गवर्नमेंट ने सरचार्ज क्या बोला है गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर इनकम मेरी दो करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा ट्वेंटी फाइव परसेंट तो आ जाओ बच्चों ट्वेंटी फाइव परसेंट का सरचार्ज लगा देते हैं भाई साहब होना गुना है घनघोर गुना है एटी एट लाख टेन थाउजेंड पर पच्चीस परसेंट का गवर्नमेंट सरचार्ज भी लगा रही है तो ये करीब बन गया बाईस लाख दो हजार पांच सौ लो जी गवर्नमेंट कह रहा हैं हमसे ज्यादा कोई अमीर नहीं हो सकता टैक्स पता है कितना ले लिया एक करोड़ दस लाख बारह हजार पांच सौ अभी तो सेस भी रहता है चार परसेंट का सेस चार परसेंट का सेस निकालूंगा इस पे तो यार है फोर लैख फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये आ रहा है एक करोड़ दस लाख बारह हजार पांच सौ और टोटल कर देंगे तो आ रहा है वन करोड़ फोर्टीन लाख फिफ्टी थ्री थाउजेंड वाह पब्लिक बोलेगी हम कमा किसके लिए रहे गवर्नमेंट के लिए कमा रहे हैं हाँ या ना टैक्स का परसेंटेज देखें कितना टैक्स आप दे रहे हो गवर्नमेंट को एक लाख चौदह हजार सॉरी एक करोड़ चौदह लाख त्रेपन हजार रुपए डिवाइडेड बाय तीन करोड़ है ना तो आप यहां परसेंटेज निकाल सकते हो आपका इफेक्टिव परसेंटेज कितना बन रहा है देखिए कितना बन रहा है थर्टी एट पॉइंट वन सेवन परसेंट अड़तीस परसेंट का टैक्स आपका बन रहा है एक तरह से देखा जाए तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है थर्टी एट पॉइंट वन सेवन परसेंट तो ये आपका टैक्स का परसेंटेज बन रहा है जबकि हम लोग टैक्स पढ़ रहे थे कितना भाई थर्टी परसेंट तक का हाईएस्ट लगता है बट नहीं बेवकू बना रहे हैं सरचार्ज भी लग रहा है है ना और सेस भी लग रहा है जिसकी वजह से आपका टैक्स थर्टी एट पॉइंट वन सेवन परसेंट तो बच्चों इस तरीके से आपको लगता है सरचार्ज इन द केस ऑफ ओल्ड रिजीम तो मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें करी सरचार्ज के बारे में बात करी इसी सरचार्ज के वक्त ही मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट से वाकफ करना है और उसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ दोस्तों क्या बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ राइट डाउन हेडिंग मार्जिनल रिलीफ नाउ व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ ये आया क्यों इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है बुक्स में सब दिया है मैंने ठीक है बुक्स के अंदर सब कुछ दिया हुआ है थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट बुक के अंदर है मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मार्जन रिलीफ का क्या लॉजिक है देखो एक 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 चीज गलत हो रही है जब सरचार्ज आप लगाते हो तो एक चीज आप बहुत गलत कर रहे हो पचास लाख रुपए वाले पर कोई सरचार्ज नहीं पचास लाख से ज्यादा होने पर दस परसेंट सर अब एक बात सोचो अगर मेरी इनकम पचास लाख से बिल्कुल थोड़ी सी ही ज्यादा हो तो मेरे को जो टैक्स देना पड़ेगा मेरा वो ज्यादा नहीं बन जाएगा कैसे आओ मैं करके बताता हूं क्यों मिलता है माजोर रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है माजोर रिलीफ मैंने तो नहीं मांगा गवर्नमेंट कह रही है लो क्यों दे रही है ये देखो मान के चलते हैं बच्चों एक एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर एक्स है एज फोर्टी है रेजिडेंट है इसकी टोटल इनकम फिफ्टी लाख फिफ्टी थाउजेंड हो गई है कितनी हो गई है फिफ्टी लाख फिफ्टी थाउजेंड पहले इनकम कम थी जो जहां पर भी ये जॉब करता था वहां उन्होंने प्रमोशन दे दी तो इसकी फिफ्टी लाख फिफ्टी थाउजेंड हो गई अब हुआ ये इसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि ये कहता यार आपने मेरी इतनी इनकम क्यों बढ़ा दी कहता है मेरी इनकम पचास लाख ही रहने देते खरा क्या बात कर रहे हो आपकी इनकम बढ़ गई है भाई पचास लाख से भी पचास हजार ज्यादा अरे ये तो अच्छी बात है वो कहता नहीं भाई नहीं बहुत नुकसान करवा दिया आपने मेरा कौन कह रहा है ये वो मिस्टर एक्स कह रहा है इंप्लॉयर को कह रहा है मुझे पचास लाख ही दो अच्छा ऐसी बहस क्यों कर रहा है वो पता है क्यों कर रहा है ये देखो अगर आपकी टोटल इनकम पचास लाख ही होती तो क्या टैक्स बनता मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं पहले ढाई लाख पर जीरो अगले ढाई लाख पे पांच परसेंट कितना बनता बारह सौ। अगले पांच लाख पर बीस परसेंट कितना बनता एक लाख बैलेंस फोर्टी लाख रुपीस। उस पर थर्टी परसेंट कितना बनता बारह लाख रुपए यस और नो एवी वन अब बारह लाख रुपए ये हो गया और मेरा टैक्स बन जाता तेरह लाख बारह हजार पांच सौ अभी सेस को इग्नोर करते हैं दोस्तों ठीक है अभी सरचार्ज तो लगेगा नहीं क्योंकि पचास लाख में सरचार्ज लगता ही नहीं था पचास लाख से ऊपर सरचार्ज लगता था अब मेरी इनकम एक्चुअल में तो ये है नहीं मेरी इनकम तो पचास लाख पचास हजार रुपये है तो सर पचास लाख पे क्यों निकाला मैं पचास लाख पे इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि पचास लाख वो आखिरी इनकम है जिसपे सरचार्ज नहीं लगता क्योंकि पचास लाख से एक रुपए में पड़ गया तो सरचार्ज लग रहा है पचास लाख रुपए पर सरचार्ज नहीं है तो इसलिए मैं पचास लाख को बेस मान के चल रहा हूं अगर मेरी इनकम पचास लाख पचास हजार होती तो मेरा टैक्स कितना बनता पहले ढाई लाख रुपए पर जीरो अगले ढाई लाख रुपए पर पांच परसेंट कितना बन गया बारह पांच सौ अगले पांच लाख रुपए पर बीस परसेंट कितना बन गया एक लाख और बैलेंस चालीस लाख पचास हजार पर थर्टी परसेंट का टैक्स कितना हो गया फोर्टी फिफ्टी पर थर्टी परसेंट का टैक्स बन गया बारह लाख पंद्रह हजार ये टोटल हो गया तेरह लाख सत्ताईस हजार पांच सौ देखो जायज है बिल्कुल जायज है कि आपकी इनकम अगर पचास लाख है तो आपका टैक्स इतना बनता है पचास लाख पचास हजार है तो थोड़ा सा तो टैक्स बढ़ेगा ना हाँ जायज है बट अगर मैं आपको यह कहूं कि सर ये जो पचास तो पचास हजार रुपए ज्यादा इनकम बढ़ने की वजह से आपका टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया मतलब पचास हजार से भी ज्यादा बढ़ गया तो क्या आपको क्या आपको पचास लाख पचास हजार रुपए चाहिए क्योंकि देखा जाए तो वो पचास लाख पचास हजार कमाने वाला इंसान पचास लाख वाले कमाने वाले इंसान से भी गरीब होगा कैसे मैं आपको करके दिखाता हूं क्योंकि इसके ऊपर लग गया सरचार्ज सरचार्ज कितना दस तो ये हो गया वन थ्री टू सेवन फाइव जीरो आया ना वन थ्री टू सेवन फाइव ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो ये हो रहा है फोर्टीन लाख सिक्सटी थाउजेंड टू फिफ्टी सोचो बच्चों मेरी इनकम जब पचास लाख रुपए थी तो मेरा टैक्स तेरह बारह पाँच सौ पचास लाख पचास हज़ार हो गई तो फोर्टीन लाख सिक्सटी थाउजेंड टू फिफ्टी हम्म भाई अब मेरी इनकम कितनी ज़्यादा बढ़ गई पचास हजार रुपये बढ़ी थी बट मेरा टैक्स कितना ज़्यादा पड़ गया ये देखो अरे ये तो अन्याय है बोलो है या नहीं है अन्याय दिख रहा है आप लोगों को नहीं दिख रहा बिल्कुल अन्याय है अगर मेरी इनकम पचास हजार रुपये से बढ़ी है तो मेरा टैक्स ज्यादा से ज्यादा कितना होता भाई ज्यादा से ज्यादा अगर यार तुम्हारी इनकम आज दस लाख रुपए हो तुमसे टैक्स बोलू मैं को पचास लाख रुपए दे दो अरे इनकम दस लाख है इनकम में से ही तो देंगे ना टैक्स है ना तो इनकम से ज्यादा टैक्स तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में इनकम दस लाख रुपए है टैक्स में आपसे ज्यादा मांग सकता हूं नहीं ना तो ऐसे ही इसकी इनकम पचास हजार रुपए बचागी टैक्स मांग रहे हैं वन फोर्टी सेवन सेवन फिफ्टी घनगोर अन्याय ऐसी प्रॉब्लम ना आए इसी वजह से गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट निकाला था मार्जिनल रिलीफ का और बोला हम मार्जिनल रिलीफ देंगे तब हम मार्जिनल रिलीफ देंगे तब जब डिफरेंस इन टैक्स ज्यादा आएगा डिफरेंस इन इनकम से डिफरेंस इन टैक्स डिफरेंस इन इनकम से क्या आएगा ज्यादा आएगा अगर डिफरेंस इन टैक्स डिफरेंस इन इनकम से ज्यादा है तो माजो रिलीफ मिलना चाहिए तो यहां पर इस इंसान को माजो रिलीफ मिलेगा अब माजोरिफ मिलेगा तो बताओ कितना मिलेगा गवर्नमेंट ने कहा देखो इनकम पचास हजार रुपए बढ़ी है तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स हम कितना ले सकते हैं पचास हजार तो क्या किया डिफरेंस इन टैक्स चेक किया वो था वन फोर सेवन सेवन फाइव जीरो माइनस कर दिया इसमें से कि डिफरेंस इन इनकम कितनी है और डिफरेंस इन इनकम पता है कितनी है पचास हजार तो कितने का डिफरेंस आया नाइन सेवन सेवन फाइव जीरो इतने का गवर्नमेंट आपको क्या दे देगी एमआर मार्जिनल रिलीफ इतने का गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे देगी नाइन सेवन सेवन फाइव जीरो का और इसमें से वन फोर सिक्स जीरो टू फाइव जीरो माइनस नाइन सेवन सेवन फाइव जीरो माइनस कर देंगे तो यह आएगा थर्टीन लाख सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बन गई मेरी टैक्स लाइबिलिटी अब इसके ये है मेरी टैक्स लाइबिलिटी अब देखो मेरी इनकम पचास लाख थी तो थर्टीन ट्वेल्व फाइव हंड्रेड मेरी इनकम पचास लाख पचास हजार हुई तो मेरा टैक्स कितना बना थर्टीन सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड नाउ इट्स मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है मतलब मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यार गवर्नमेंट ने इतना जरूर सोच लिया कि भाई इनकम से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए तो इतने का रिलीफ दे दिया गवर्नमेंट ने और इसके बाद गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर लगाया सेस चार ही तो, तो ये आया मेरा टोटल टैक्स लाइबिलिटी फोर्टीन सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड प्लस फिफ्टी फोर फाइव हंड्रेड फोर्टीन लाख सेवेंटीन थाउजेंड ये मेरी बनेगी टैक्स लाइबिलिटी अगर मेरी इनकम कितनी होती पचास लाख होती तो पचास लाख पचास हजार होती तो इस पर भी इस पर भी सेस तो लगेगा बाद में सेस तो हम लोग लगाएंगे ही ऑब्वियसली बट आपको ये फर्क समझ में आया माजर लीव गवर्नमेंट ने क्यों दिया ये लॉजिक समझ में आना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत लॉजिकल है माजा लीव मांगना चाहिए था वो इसीलिए मिला क्योंकि आपकी इनकम कम बढ़ी है टैक्स आपका ज्यादा बढ़ गया इस वजह से आपको माजा लीव का कॉन्सेप्ट का बेनिफिट मिला क्या मेरी बात समझ में आई एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं ये देखो फिर आपको होमवर्क दूंगा ये को एक और क्वेश्चन ध्यान से सुनना मान लो मिसेस रानी नाम में ही रानी है एज थर्टी टू ईयर्स टोटल इनकम फिफ्टी वन लाख रुपीज है मिसेस रानी की टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट करो अगर आपको समझ में आ गया पचास लाख वाला पचास लाख पचास हजार वाला तो इस वीडियो को पॉज करो और अपने आप स्टार्ट करो ठीक है मजा तो तभी आए तो आप अपने आप स्टार्ट करो पॉज करके नहीं तो मैं तो करा ही रहा हूं मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोग पॉज करके कर सकते हैं फिर इसके बाद चेक कर लेना फिर से पचास लाख को ही बेस लेकर चलेंगे बेटा हमेशा क्यों क्योंकि पचास लाख आखिरी इनकम ऐसी है जिसपे सरचार्ज नहीं लगता तो मैंने 50 लाख के हिसाब से 50 लाख के हिसाब से ऑलरेडी सरचार्ज और टैक्स निकाल रखा है कितना निकाल रखा है देखो टैक्स मैंने निकाल लिया था ना पहले ही थर्टीन ट्वेल्व फाइव हंड्रेड तो वही लिख देता हूं सीधा क्यों मेहनत करनी दोबारा और दूसरी तरफ अगर मेरी इनकम फिफ्टी वन लाख रुपीज होती तो क्या होता अब एक नोटिस करोगे एक चीज जैसे ही इनकम पचास लाख से दूर होता जाऊंगा ना मेरा ये जो क्योंकि जायज है कि मिलना भी तभी चाहिए बट अगर मेरी टैक्स लाइबिलिटी इनकम से ज्यादा नहीं होती है तो मेरे को माजअलीफ नहीं मिलना चाहिए ठीक है या फिर इक्वल हो जाती है तो माजी नहीं मिलेगा तो माजी के लिए हमें वेट करना होगा हमें चेक करना पड़ेगा खुद कि 50 लाख से कितनी दूर जाके गवर्नमेंट रिलीफ देना बंद कर देगी देखो अभी इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा वो मैं आपको करके दिखा रहा। पहले ढाई लाख रुपए टैक्स कितना होगा जीरो अगले ढाई लाख रुपए टैक्स कितना होगा पांच परसेंट के हिसाब से बारह पांच सौ अगले पांच लाख रुपए बीस परसेंट के हिसाब से एक लाख और नो बैलेंस कितना बच गया फोर्टी वन लैख इस पर थर्टी परसेंट ट्वेल्व लैख थर्टी थाउजेंड टोटल हो गया थर्टीन लैख फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस प्लस हम लोग इस पे अब लगाने वाले हैं सरचार्ज दस परसेंट का सरचार्ज तो वन थ्री फोर टू फाइव जीरो टोटल ये हो गया फोर्टीन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन फिफ्टी इसके बाद अब हम कंपेयर करेंगे अब हमने कंपेयर ये किया कि मेरी इनकम पहले पचास लाख ,00 थी कितनी से बढ़ गई एक लाख से बढ़ गई बट यहां पर जब टैक्स चेक किया तो मैंने देखा टैक्स तो बहुत ज्यादा बढ़ गया वन सिक्स फोर टू फाइव जीरो इनकम कितने से बढ़ी एक लाख टैक्स कितने से बढ़ गया वन सिक्स फोर टू फाइव जीरो तो घनघोरा भाई एक लाख रुपए मेरी इनकम है तो टैक्स में तेरा इतना ज्यादा कैसे दू तो इस वजह से गवर्नमेंट ने यहां पर फिर से क्या देगा मार्जिनल रिलीफ देगा कितना अगेन डिफरेंस इन टैक्स वन सिक्स फोर टू फाइव जीरो माइनस डिफरेंस इन इनकम वन लाख रुपीज सिक्स फोर टू फाइव जीरो का क्या मिल गया रिलीफ अब ये माइनस करेंगे सिक्स फोर टू फाइव जीरो इतने का रिलीफ मिल गया अब आप चेक करो रिलीफ अमाउंट जो है ना पहले कितना था नाइन सेवन सेवन फाइव जीरो अब क्या हो गया सिक्स फोर टू फाइव जीरो है ना तो सिक्स फोर टू फाइव जीरो का रिलीफ मिल गया तो मतलब रिलीफ कम होता जा रहा है इनकम बढ़ रही है रिलीफ कम तो फोर्टीन सेवनटी सिक्स सेवन फिफ्टी माइनस सिक्स फोर टू फाइव जीरो आ रहा है फोर्टीन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस सेस तो लगेगा ही क्योंकि क्वेश्चन ने बोला टैक्स लाइबिलिटी निकालो तो ये लो सेस भी लगा दो फोर परसेंट यह आ गया फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड और मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई फोर्टीन लैख सिक्सटी नाइन थाउजेंड क्या मेरी बात समझ में आई सबको क्या मेरी बात समझ में आई सबको तो ये था बच्चों पचास लाख रुपए से अगर मेरी इनकम 50 लाख के आसपास होती है तो मेरे को इस तरीके से क्या लगेगा सरचार्ज और मेरे को क्या मिलना चाहिए मार्जिनल रिलीफ क्या मेरी बात समझे आगे रिलीफ से रिलेटेड कुछ और बातें भी करनी है मैंने आपके साथ या मैं कर ही देता हूं मैं कर ही देता हूं क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास एक क्वेश्चन और करा देता हूं अब आपने एक चीज रियलाइज करी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ जाएगी वैसे वैसे मेरा टैक्स के जो रिबेट है जो माजा लीफ है मुझे मेरा मिलना कम हो जाएगा एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे मेरी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मेरा टैक्स जो होगा वो डिफरेंस इन टैक्स मेरा कम आ रहा होगा जिसकी वजह से मेरा माजा लीफ नहीं मिलेगा तो वो सिचुएशन आपको खुद पता चलेगी जब मैं आपको होमवर्क दूंगा तो मैं आज होमवर्क दूंगा या होमवर्क लिख ही लो साथ साथ होमवर्क तो लिख ही लो मिस एक्स एज फोर्टी टू टोटल इनकम एक बार आप निकालो फिफ्टी वन फिफ्टी के लिए एक निकालना मिस्टर वाई एज सिक्सटी रेजिडेंट टोटल इनकम फिफ्टी टू लैख फिफ्टी अब जब सिक्सटी इयर्स के लिए निकालोगे तो जो पचास लाख से कंपेयर करोगे ना जब तो पचास लाख पे टैक्स जो निकालोगे वो ये वाला टैक्स नहीं होगा तेरह बारह पांच सौ ये नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि सीनियर सिटीजन वाला लगाओगे ना सीनियर सिटीजन अलग है ना ये क्या मेरी बात समझे तो ये होमवर्क क्वेश्चन करके आने अब मैं आपको इसी सरचार्ज में सरचार्ज की वजह से माजा लीफ में एक और बात बताने वाला ये भी नोट करना कि मान लो मेरी इनकम एक करोड़ से ज्यादा होती सर एक करोड़ से ज्यादा होती तो भी तो सरचार्ज लगता ही है और एक करोड़ सर सरचार्ज तो लगता ही तो इसमें भी क्या माजा लीफ मिलेगा जी हाँ माजा लीफ इसमें भी मिलेगा पर कैसे ये देखो बच्चों मान लेते हैं मिस्टर अजय की एज है फोर्टी टोटल इनकम इनकी है एक करोड़ एक लाख क्वेश्चन बोल रहा है टैक्स निकालो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टैक्स निकालो निकाल लेते हैं जी एक करोड़ एक लाख में टैक्स इसमें क्या है कुछ भी नहीं बट प्रॉब्लम क्या है क्योंकि इनकम एक करोड़ से ज्यादा है तो हो सकता है अच्छा एक करोड़ से ज्यादा होने पर सरचार्ज क्या लग रहा होगा बताओ एक करोड़ से ज्यादा होने पर सरचार्ज क्या लग रहा होगा बताओ एक करोड़ से ज्यादा होने पर सरचार्ज लग रहा होगा पंद्रह परसेंट और एक करोड़ रुपए अगर इनकम होती तो सरचार्ज लगता है दस परसेंट मेरी बात समझ में आ रही है यहां पर डिफरेंस अराइज हो जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सरचार्ज लग रहा है जिसकी वजह से आपको यहां पर भी क्या मिलना चाहिए मार्जिनल रिलीफ ये देखो अब यहां पर मेरा बेस रहेगा एक करोड़ क्यों पचास लाख तक थोड़ी ना चले जाऊंगा एक करोड़ एक करोड़ से कंपेयर इसलिए करूंगा क्योंकि एक करोड़ वो आखिरी ऐसी इनकम है सर सरचार्ज कितना लगता है दस एक करोड़ से एक रुपए भी ऊपर होगा तो सरचार्ज कितना लगेगा पंद्रह इस वजह से हमें यहां पर मार्जिनल लीफ चेक करना होगा एक करोड़ से कंपेयर करके तो मैं मैं ये मान के चलूंगा मेरी इनकम अगर एक करोड़ होती तो मेरा टैक्स कितना होगा पहले ढाई लाख रुपए जीरो अगले ढाई लाख रुपए पांच परसेंट यानी बारह पांच सौ अगले पांच लाख रुपए बीस परसेंट यानी एक लाख और बैलेंस नब्बे लाख रुपए पर तीस परसेंट यानी ट्वेंटी सेवन लाख तो ये हो गया ट्वेंटी एट लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड जिसके ऊपर अभी सरचार्ज तो लगेगा यहां पे सरचार्ज लगाएंगे अच्छा पचास लाख वाले में सरचार्ज नहीं लगाया था पचास लाख में सरचार्ज लगता ही नहीं था यहां पे सरचार्ज लगेगा बट कितना लगेगा दस परसेंट तो टू एट वन टू फाइव जीरो टोटल कर देते हैं ट्वेंटी एट ट्वेल्व फाइव हंड्रेड पर टू एट वन टू फाइव जीरो ये हो गया थर्टी लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी अब मैं चेक करूंगा अगर मेरी इनकम एक करोड़ एक लाख होती तो क्या फर्क पड़ता अगेन पहले ढाई लाख रुपए पर जीरो अगले ढाई लाख रुपए पर पांच परसेंट यानी बारह मानसो अगले पांच लाख रुपए पर बीस परसेंट यानी एक लाख और बैलेंस 91 लाख रुपीस पर 27, 30% परसेंट ट्वेंटी सेवन लैख थर्टी थाउजेंड तो मेरा टोटल बन गया 2730 प्लस वन ट्वेल्व हो गया 2842500 यहां तक तो सब कुछ ठीक है सरचार्ज का देखते हैं जरा ध्यान से सरचार्ज यहां पे क्योंकि इनकम एक करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज पंद्रह लगेगा तो गवर्नमेंट ने पंद्रह परसेंट सरचार्ज लगाया इसके ऊपर जो हो जाएगा फोर टू सिक्स थ्री सेवन फाइव जिसका टोटल बन गया टू एट फोर टू फाइव जीरो जीरो प्लस फोर टू सिक्स थ्री सेवन फाइव ये हो गया थर्ट थ्री थर्टी टू लैख सिक्सटी एट थाउजेंड एट सेवेंटी फाइव ध्यान से देखो इस चीज को मेरी इनकम एक करोड़ से कितनी ज्यादा हो गई बच्चों एक लाख रुपए ज्यादा हो गई और मेरा सरचार्ज की वजह से टैक्स मेरा कितना ज्यादा बढ़ गया थ्री जीरो नाइन थ्री सेवन फाइव जीरो माइनस कर देते हैं यार है वन सेवन फाइव वन टू आप चेक कर पा रहे हो मेरी इनकम एक लाख बढ़ी है और टैक्स मेरा इतना ज्यादा बढ़ गया गलत है ना ये अन्याय क्या मिलना चाहिए एमआर कैसे मिलेगा वही डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम डिफरेंस इन टैक्स है 175, और डिफरेंस इन इनकम है वन लैख तो माइनस करके एम आर आया सेवन फाइव वन टू फाइव ये माइनस कर देते हैं बच्चों थ्री टू सिक्स एट एट सेवन फाइव माइनस सेवन फाइव वन टू फाइव थ्री वन नाइन थ्री सेवन फाइव जीरो और इसके बाद लगा देंगे सेस जो कि है चार परसेंट वन टू सेवन सेवन फाइव जीरो और टोटल हो गया ये थ्री टू वन फाइव हंड्रेड यह मेरी आ गई टैक्स लाइविलिटी क्या मेरी बात समझ में आई सबको एवं वन तो ये पॉइंट है जो मैंने आपको समझाना चाहता था कि जरूरी नहीं है कि सरचार्ज का जो माजन लीफ मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पचास लाख वाले लेवल पे मिलेगा एक करोड़ पे भी मिलेगा दो करोड़ पे भी ऐसे ही आएगा क्योंकि दो करोड़ से ज्यादा हो गया दो करोड़ पे सरचार्ज कितना है पंद्रह दो करोड़ से ज्यादा होगा तो कितना होगा पच्चीस तो वहां भी ये प्रॉब्लम आएगी सिमिलरली पांच करोड़ पे भी ऐसा ही आएगा पांच करोड़ पे सरचार्ज कितना है पच्चीस पांच करोड़ से ऊपर पे थर्टी सेवन वहां पर भी ये प्रॉब्लम आएंगी तो हमें गवर्नमेंट ने माजीफ दिया है हर लेवल तक क्या मेरी बात समझ में आई तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होगा एक क्वेश्चन और जोड़ लो इसके अंदर होमवर्क में मिस्टर जेड एज थर्टी फाइव टोटल इनकम दो करोड़ तीन लाख कंप्यूट टैक्स ठीक है ये तीन क्वेश्चन करके आने हैं अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों ठीक है ये आपका होमवर्क रहेगा प्लीज सब लोग सीरियसली होमवर्क अपने आप करेंगे तभी मजा आएगा ठीक है जी तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज का टॉपिक थैंक यू बाय बाय आज के लिए इतना ही